हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा, आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से खादी सिल्क की जो साड़ियाँ होती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं पहनने में, तो उसको आप कैसे वेयर कर सकते हैं एंड कौन सी ट्रिक्स को आपको यूज़ करना है। सो आई होप आपके लिए आज का ये वीडियो हेल्पफुल होगा। इससे पहले मैंने बहुत से सारी रैपिंग के वीडियोज़ डाले हुए हैं, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा देन प्लीज़ उसे जाकर के जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड ऑल्सो आप मेरा ब्लॉग चैनल है जो कि प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे, उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आपको अपनी साड़ी को इस तरह से आगे की तरह टक इन करना है, स्टार्टिंग जहां से होती साड़ी की उसको टक करना है और पीछे से भी आपको इस तरह से टक करना है। एक बात का ध्यान देना है कि आपको अपने पेटीकोट को काफ़ी टाइटली बांधना है, क्योंकि ये जो साड़ी होती है ये बहुत ही, चूँकि खादी सिल्क होती है, एक तो सिल्क भी होता है जिसकी वजह से इसका कपड़ा थोड़ा सा खिसकता हुआ होता है और खादी होने की वजह से थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इस साड़ी को बैठाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने पल्लू के इस तरह से रफली आपको प्लीट्स बनानी है और उसको सेपरेटली अलग कर लेना है। ये देखना है कि आपको कितना पल्लू चाहिए, तो आप घुटने के नीचे तक की लेंथ को ले लीजिए या जितना भी आपको चाहिए, वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है आपको कितनी लेंथ चाहिए पल्लू की। उसके बाद में आपको अपने साड़ी के एक छोर को पकड़ के और बाकी की साड़ी को टाइटली इस तरह से आगे की ओर करना है, क्योंकि अब हम अपनी कोंच की प्लीट्स बनाने वाले हैं। कोंच की प्लीट्स बनाने से पहले, चूँकि आपको यहाँ पर अपनी कमर में एक कर्व देना होता है, एकदम अच्छा सा लुक देना होता है, तो सबसे पहले आपको साड़ी को अपने एकदम खींचते हुए कुछ इस तरह से और बॉर्डर को ऊपर लेते हुए, अब यहाँ पे डिपेंड आपको ये ऊपर करता है कि आपको कमर को कितना रिवील करना है, कितना आपको छुपाना है। आप जैसे भी में कंफर्टेबल हो आप उतने में कर सकते हैं, बिकॉज आई एम अ मदर एंड आई हैव स्ट्रेच मार्क्स, दैट्स व्हाई मैं इतना ज़्यादा लो वेस्ट की साड़ीज नहीं पहनती हूँ, बट आप जैसा चाहो आप वैसे पहन सकते हो। तो इस तरह से आपको अपनी साड़ी को नीचे की तरफ खींचते हुए एकदम फिटिंग से लाना है एंड देन आपको इस तरह से बॉर्डर को अपने एडजस्ट करना है। साड़ी आपकी एकदम टाइट होनी चाहिए, अगर जरा सी भी लूज हुई तो आपका जो आप शेप चाह रहे हो वो शेप आपको नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप चाहो तो आप इसको एज इट इज़ यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको प्लेन बॉर्डर को ला करके यहाँ पे आप पिन से इसको सिक्योर कर सकते हो, बट अगर आप इसमें प्लीट्स बनाना चाहते हो, लाइक साइड में भी प्लीट्स बनाना चाहते हो, क्योंकि सिल्क की साड़ी में अगर आप साइड से प्लीट्स बना लेते हो तो वो और भी अच्छा लुक आता है, लेकिन चूँकि ये खादी सिल्क की है तो मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो आप इसको मत ही करिएगा, क्योंकि खादी सिल्क में आपको थोड़ा मुश्किल होगा ये साइड प्लीट्स बनाने में, कमर की प्लीट्स जो मैंने अभी आपको दिखाई है। इसको इस तरह से करने के बाद आपको पिन से इसको सिक्योर कर लेना है। नीचे से मैंने 3 प्लेट्स लेके बनाई थी, उसके बाद में आपको अपनी कोंच की प्लीट्स कुछ इस तरह से बनानी है जैसे कि मैं आपको शो कर रही हूँ, एंड उसके बाद में आपको एक के ऊपर एक इस तरह से रखना है, और जो सबसे पहली वाली प्लीट है उसको आपको नीचे रखना है, बाकी की आगे की प्लीट्स को ऊपर रखना होता है, ठीक। उसके बाद में सबसे आगे की प्लीट को इस तरह से आप ले लीजिए, अलग कर लीजिए और फिर उसको इसमें घुमाते हुए मिक्स कर दीजिए, इससे आपकी साड़ी जो इधर उधर हुई होती है ना वो दिखता नहीं है और अच्छे से सिक्योर हो जाता है। अब आपको नीचे की प्लेट, अभी आप देखो ये बहुत ही अनमैनेजेबल साड़ी लग रही है, आपको क्या करना है इसमें नीचे की प्लीट्स जो है ना किसी की हेल्प से आपको उनको लेकर के और दबाना है। कैसे दबाना है जैसे कि मैं अभी आपको शो करूँगी, ठीक है। अगर आप इस तरह से अपनी खादी सिल्क की जो साड़ियाँ होती हैं या अगर आप कॉटन की भी साड़ियाँ पहनने वाले हो उसको आप इस तरह से अगर दबा लेते हो, आपने प्रेस नहीं भी किया हुआ है, तो आपकी साड़ी वो है एग्जैक्टली उसी तरह बैठ जाती है, जैसे कि मैं आपको देखो इस तरह दबाते हुए दिखा रही हूँ ना, इस तरह से अगर आप अपनी साड़ी को इस तरह से प्रेस करते हो ना तो आपकी साड़ी की जो प्लीट्स होती है वो एकदम एग्जैक्ट होकर के बैठ जाती है। फिर आपको इसको अपनी बेली बटन के सामने टक इन करना है एंड इसको सिक्योर करने के लिए एक अगेन आपको सेफ्टी पिन की जरूरत पड़ेगी। आप देख रहे हो कितना प्यारा कर्व आया है, इस सेफ्टी पिन को आपको इन कोंचों के ऊपर इस तरह से लगा देना है ताकि आपकी जो ये आपकी कोंचें हैं ये इधर उधर ना जाए। अगर आप इस तरह से साड़ी पहनते हो गाइस तो आप अगर पूरा दिन भी पहने रहोगे आपकी साड़ी इधर से उधर नहीं होगी, इधर मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि इधर उधर हो रही है। एंड ये साड़ी मैंने पहनी थी हर छठ की पूजा वाले दिन के लिए, सो वो ब्लॉग मेरा जाएगा मेरे ब्लॉग चैनल में प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे में, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि ये साड़ी कितनी ईजिली थी और कितनी अच्छी लग रही थी। सभी लोगों ने मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट किया था कि आपने ये साड़ी बहुत प्यारी लग रही है एंड ऑल्सो आपने पहनी भी बहुत अच्छी तरीके से है। अब यहाँ पे आपको इस तरह से अपनी पल्लू की प्लीट्स को बनाना है और उसको एक के ऊपर एक इस तरह से लेकर के, अगर आप चाहो आपको एकदम परफेक्ट, चूँकि अगर आपको ओढ़ना नहीं है तो आप यहाँ पे इसको सेफ्टी पिन को भी लगा सकते हो। अगर आपको पीछे का भी एकदम प्लेन लुक चाहिए तो आप सेफ्टी पिन लगा के उसको भी प्रेस करके वैसे जैसे मैंने आपको कोंच का बताया आप कर सकते हो, पर चूँकि मैं पूजा में बैठने वाली थी मेरे को ओढ़ना था इसलिए मैंने ज़्यादा पीछे की प्लीट्स पे ध्यान नहीं दिया, बट अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो।
मेरा पर्टिकुलर साड़ी ड्रैपिंग का ये चैनल नहीं है, मैं जैसा रॉ पहनती हूँ वैसा आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जो बेसिक एकदम पर्टिकुलर वैसे चैनल्स होते हैं वो आपको परफेक्शन से सिखाते हैं, लेकिन वो बारीकियाँ नहीं बताते। मैं आपको हर एक चीज़ की बारीकियाँ भी बता रही हूँ और दिखा भी रही हूँ। अब यहाँ पर आपको इस सारे जो आपने प्लीट्स बनाई है को इसको आपको सिक्योर करना है पिन से, एंड देन आपको सारी प्लीट्स को इस तरह से ले लीजिए और अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, जैसा आपको बॉर्डर चाहिए, जैसा आपको लुक चाहिए, आप जैसा भी चाहे आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। एंड बस यहाँ पे देख लीजिए साड़ी मेरी पहन चुकी है, मैं रेडी हूँ साड़ी पहन के। एंड ये गाइस लुक देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये साड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी जबकि इसको पहनना बहुत मुश्किल है। ये 6 मिनट की जो आपने वीडियो देखी है इसको बनाने में मेरे को नेट मतलब ये साड़ी पहनने में मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे, जबकि मुझे साड़ी पहननी आती है क्योंकि ये साड़ी बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये खादी सिल्क मिक्स है। सो बस यहाँ पे मैं साड़ी पहन के रेडी हूँ, एंड आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है गाइस, कितना ही स्लिम लुक आया। मुझे बेली फैट है बट फिर भी मेरा बेली फैट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, केवल और केवल इस ट्रिक की वजह से। सो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो देन प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो। एंड ऑल्सो मेरा ब्लॉग चैनल है जो कि प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे, मुझे वहाँ पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, दैट इज ऑल्सो प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे। सो बाय एंड टेक केयर ऑल्सो, बाय।